इंदिरा इज इंडिया के नारे पर प्रधानमंत्री का बयान इस इंटरव्यू में नजर आया है। मोदी इज भारत को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, देश महसूस करता है कि मां भारती का बेटा, ये प्रधानमंत्री ने उस सवाल के जवाब में बात को रखा है। देखिए वो तमाम मुद्दे जो इतिहास के पन्नों से जुड़े हुए हैं और वो मुद्दे जो आज बहुत बुनियादी सवाल हैं, उनको लेकर प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है। बिल्कुल, कई बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं इस इंटरव्यू की। इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली के आरोपों पर पीएम मोदी बोले, ईमानदारी से सोचेंगे तो सब पछताएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड में मनी ट्रेल मिल रहा है, ये कहा है पीएम मोदी ने इस इंटरव्यू में। आपने कई भाषणों में कहा है कि 2024 आपका लक्ष्य नहीं है, 2047 है, तो 2047 तक क्या कुछ होने वाला है? गति भी बढ़ानी है और स्केल भी बढ़ाना है। देश के सामने एक अवसर है कि एक कांग्रेस सरकार का मॉडल और एक बीजेपी सरकार का मॉडल, उनका 5-6 दशक का काम और मेरा सिर्फ 10 साल का काम। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी जो हैं वो हर भाषण में कहते हैं और विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि इसमें धांधली हुई है। कि इलेक्टोरल बॉन्ड थे तो आपको ट्रेल मिल रहा है मनी का, कि किस कंपनी ने दिया, कैसे दिया, कहाँ दिया। और इसलिए मैं कहता हूँ सब लोग पछताएंगे, जब बात में ईमानदारी से सोचेंगे सब लोग पछताएंगे। इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, इज अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। हैव वी कम टू दिस सिचुएशन जहाँ पे पहले होते थे बहुत बोला जाता था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और अब है मोदी इज भारत, भारत इज मोदी। क्या उस लेवल पर पहुंच गए? ऐसा है कि देश ये कहता है और जो मैं खुद भी फील करता हूं कि ये मां भारती का बेटा है। 5 मिनट बाद प्रधानमंत्री का ये मच अवेटेड इंटरव्यू। हमारे साथ हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से मौजूद है, शुभम गुप्ता भोपाल से, राजीव सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं, रुपेश जुड़े हुए हैं पटना से। सबसे पहले शुभम, आपके साथ लोग भी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री के इस इंटरव्यू से लोगों को क्या उम्मीद है, क्या क्या वो बात कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल सीधे भोपाल के लोगों से ही बातचीत करते हैं। आप बताइए, प्रधानमंत्री ने राम मंदिर को लेकर बात की है, विपक्ष पर भी निशाना साधा है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए जैसा मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी से सनातन के बारे में नहीं सोचती, सनातन तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और जब विचारधारा के हिसाब से चलेंगे तो सनातन अपने आप ही आ जाता है। और जहाँ तक राम मंदिर की बात है तो वो करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी प्रधानमंत्री ने खुलकर बातचीत की है, जैसे विपक्ष सबसे बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव का बना रहा है। देखिए इलेक्टोरल पर भी जो जिस तरह से मोदी जी ने बिल्कुल साफ कहा कि यदि सब प्रशासन के अंदर यदि सुशासन होगा तो निश्चित रूप से हम सुशासन दे पाएंगे, और सुशासन दे पाएंगे तो लोगों के लिए अवेयरनेस होगी, और उस अवेयरनेस के साथ साथ बिल्कुल शुभम, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, जल्दी से रूपेश कुमार का रुख करते हैं, पटना से वो हमारे साथ मौजूद हैं। रूपेश, कई बड़े मुद्दों पर ये पूरा इंटरव्यू है, बातचीत है। जब रूस यूक्रेन जंग चल रही थी तो उस दौरान भारतीयों को कैसे वापस लाया गया, क्या वाकई जंग रुकवाई गई और भारतीयों को वापस लाया गया सकुशल, इस सवाल का भी जवाब पीएम मोदी ने दिया है, बताया कि दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उनके संबंध कितने अच्छे हैं। देखिए बिल्कुल, रशिया यूक्रेन वॉर हो और हाथ में अगर तिरंगा हो तो समझिए कि भारतीयों को छू नहीं सकता। मोदी क्या वाकई इतने बड़े इंटरनेशनल लीडर बन चुके हैं जिनकी बात पूरा विश्व आज मानेगा? बिल्कुल, आपने पिछले दिनों भी देखा कि जब यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही थी तो रशिया और यूक्रेन और दूसरे देश भी सब लोग कह रहे थे मोदी जी अगर इसमें इंटरफेयर करेंगे, मोदी जी बात करेंगे तो समाधान हो जाएगा, और हुआ भी। इतने दिनों तक रुका रहा युद्ध, फिर से ईरान इराक का ये जो युद्ध शुरू हुआ है, इजराइल का शुरू हुआ है, उसमें सबकी अपेक्षा है, आज भी विदेश के लोगों की अपेक्षा है कि अगर मोदी जी उसमें पड़ेंगे तो ये युद्ध जो है रुक जाएगा, बातों से रुक जाएगा। ये तो भारत के लिए स्वर्णिम काल है, नरेंद्र मोदी का इतना महत्व बढ़ा और नरेंद्र मोदी के चलते भारत का इतना महत्व बढ़ा कि भारत आज दुनिया का नेतृत्वकर्ता बनने जा रहा है।
जा रहा है, ये बताइए। रुपेश, आपको नोक नो समय की थोड़ी कमी है। राजीव सिंह मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुंबई जिसे आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। राजीव, वहां की जनता जो अभी तक टीजर्स आए हैं उसके अलावा भी कुछ उनके मन में सवाल है जो चाहते हैं कि इस इंटरव्यू में उन्हें जवाब मिले। बिल्कुल, सीधे लोगों से ही बात करते हैं कि आखिर वो प्रधानमंत्री से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने अब जो बातें रखी है उसमें इलेक्ट्रल बॉन्ड से लेकर राम मंदिर से लेकर जो रसिया यूक्रेन वार चल रहा, तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की है। आपकी क्या अपेक्षा रही है, क्या सुनना चाहते हैं प्रधानमंत्री? देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है हम लोग उनसे पूरा आश्वस्त है और हम लोग बहुत खुश है, पूरा देश खुश है। नहीं, कौन से विषय पर आप प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, ऐसा कौन सा विषय है? कोई बिल्कुल, तो देखिए तमाम अलग अलग राज्यों अलग अलग शहरों से जो प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं वो भी हमने आपको दिखाई, और जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि मोदी की गारंटी, बीजेपी का संकल्प पत्र मोदी की गारंटी, इस टैगलाइन पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया और कहा है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। मोदी की गारंटी पर पीएम मोदी का बयान, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तमाम बड़े मुद्दों बड़े सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इंटरव्यू में दिया। आपसे बस थोड़ी देर बाद, चंद सेकंड्स बाद, आप टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह डिटेल्ड इंटरव्यू देखने जा रहे हैं जिसमें राम मंदिर से लेकर सनातन, रूस यूक्रेन जंग से लेकर मोदी की गारंटी तक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की है। इसके अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का जो आरोप ऑपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है उस पर भी पीएम मोदी ने दिया है जवाब। यह इंटरव्यू बस थोड़ी देर में आपके सामने होगा। और इतना ही नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात को रखा है इस इंटरव्यू में। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा इंटरव्यू जिसे आप कुछ सेकंड्स में देखेंगे, और प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें की हैं उसके कुछ अंश हमने आपको दिखाया। लेकिन आखिरकार ये पूरा इंटरव्यू किस तरह प्रधानमंत्री ने अपनी बातों को रखा है वो लगातार लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव के मैदान में है। तीसरी बार वो बीजेपी को जीत दिलाना